हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल. फ्रेंड्स, बहुत टाइम बाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हरिसिंहगौर यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट थी वो आ चुकी है. आप अब किसी भी एमपी ऑनलाइन शॉप पे जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है जिसमें लिखा हुआ है कि आप सभी कोर्स में यूजी, पीजी, पीएचडी एंड डिप्लोमा कोर्स, सभी में किसी भी कोर्स में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, हम जैसे कि जो नोटिस है वो आप देख पा रहे होंगे, हम इसे पढ़ें. जैसे डॉक्टर हरिसिंहगौर विश्वविद्यालय सागर एमपी, यानी डॉक्टर हरिसिंहगौर यूनिवर्सिटी सागर एमपी अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन नोटिफिकेशन 2021-22, यानी कि फ्रेंड्स ये जो नोटिफिकेशन है वो 2021-22 का है. तो आप जो एमपी ऑनलाइन पे जाके जो एंट्रेंस फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अब हम कोर्स है देखें कि किन किन कोर्स के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, पहले है यूजी कोर्स, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जैसे बीए, बीए बीएड, बी फार्मा, बीकॉम, बीबीए, बीएससी बायो या मैथ्स, बीएससी बीएड बायो या मैथ, बीसीए, बी फार्मा, बीए एलएलबी, बी लिप्स आईएस साइंस, बीजे या एलएलबी. तो फ्रेंड्स, आप इन सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी यूजी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है फ्रेंड, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, यानी कि पीजी कोर्स, जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं पीजी वाले हैं, जैसे कि एमए. फ्रेंड्स, आप जो नोटिस में देख पा रहे होंगे कि हम किन किन सब्जेक्ट के थ्रू इन कोर्स को कर सकते हैं, तो आप सभी यहां पे आपको कोर्स दिख रहे हैं. इन्हीं सब्जेक्ट के थ्रू आप एमए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमलिप्स, एलएलएम, एमएड, एमफार्मा, एमटेक, MCA. इन सभी कोर्स के लिए आप अप्लाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कर सकते हैं. एंड अब हम देखें जो PhD कोर्स हैं, उन PhD प्रोग्राम्स को देखें, तो इन सभी कोर्स जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको जिस भी कोर्स में अप्लाई करना है आप देखें और उसी सब्जेक्ट से आपको यह कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप जाके देखें. आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आप जाके आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए किसी भी एमपी ऑनलाइन से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. अब हम बात करें डिप्लोमा प्रोग्राम्स की. तो फ्रेंड्स, डिप्लोमा प्रोग्राम यानी कि आप किसी भी डिप्लोमा के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरिसिंहगौर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. फ्रेंड्स, हमने इस नोटिफिकेशन में देखा कि जो डेट है वो आ चुकी है. तो फ्रेंड्स, हम बात करें कि यह डेट कब से कब तक है, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है. क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप किसी वजह से फॉर्म भरने में लेट हो गए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी लास्ट डेट क्या है, जिससे आप फॉर्म भर पाएँ और आप फॉर्म भरे बिना ना रह पाएँ. तो फ्रेंड्स, इसकी जो एप्लीकेशन भरना स्टार्ट फॉर्म डेट है वो है 20 अगस्त 2021. फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, एप्लीकेशन बिल स्टार्ट फॉर्म, यानी कि हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हुआ है, 20 अगस्त 2021 से. और फ्रेंड, हम इसकी लास्ट डेट देखें, तो फ्रेंड इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, जो लास्ट डेट है वो है 9 सितंबर 2021. तो फ्रेंड्स, 9 सितंबर तक ही आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे. यदि आप किसी वजह से लेट हो जाते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे. इसलिए आप जल्दी से जल्दी जाके किसी भी ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन शॉप से एप्लीकेशन फॉर्म भर दें. तो फ्रेंड्स, आप पहले एक बार कोर्स देखें, इसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें.
एंड फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप किसी तरह की कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं, या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पर्सनली कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप इस कांटेक्ट नंबर पर कॉल कर यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं। आपकी बात यूनिवर्सिटी से हो जाएगी। आपका कोई मैसेज है जो आप यूनिवर्सिटी पहुँचाना चाहते हैं, तो इस जो नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो आप वेबसाइट देख पा रहे होंगे, ये इसी वेबसाइट पे आपको एंट्रेंस फॉर्म भरना है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके, इस लिंक पे जाके आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एंट्रेंस फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप इस जो लिंक है इस पर जाइए और अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल कीजिए। फ्रेंड्स, एक और जो साइट है यूनिवर्सिटी की, www.dhsgsu.ac.in, तो फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट के थ्रू जो आपको यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो बिल्कुल राइट आपको इस जो वेबसाइट है, इस साइट पर आपको जाके मिल जाएगी। तो आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कोई पर्सनली कोई चीज़ जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, या कोई लेटेस्ट अपडेट आता है, तो आप इस यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पर जाकर हमेशा चेक करें। एंड फ्रेंड्स, ये ईमेल है जो ईमेल यूनिवर्सिटी की है, एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस ईमेल पे अपना मैसेज यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन है, यदि आप हिंदी वर्जन यानी कि आप हिंदी में चाहते हैं ये नोटिफिकेशन, तो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है मैंने बताई है www.dhsgsu.ac.in, इस वेबसाइट पर जाके आप ये नोटिफिकेशन हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस जो नोटिस आया हुआ यूनिवर्सिटी से, हमने उसमें देखा कि आप किन किन कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कैसे करें, तो फ्रेंड्स हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है। सारी प्रोसेस हमने बहुत ही सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से समझा दी है, तो आप पहले जाके वो देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कैसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करें कोर्स की, तो फ्रेंड्स कितने कोर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या एक से अधिक कोर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यदि हम एक से अधिक कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो फ़ीस कितनी हो जाएगी, हमने ये सभी बातें सभी टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो में की है आपसे, एंड आप उस वीडियो को देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आप एक से अधिक कोर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप वहाँ जाके देखें। फ्रेंड्स, हम बात करें किसी भी कोर्स के लिए एज लिमिट, तो फ्रेंड्स और जो उसकी योग्यताएं क्या क्या हैं कि आप इन कोर्सों में अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने वो भी सेपरेट वीडियो बना रखी है, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चैनल पर अपलोड है, आप जाके देखें। एंड फ्रेंड्स, हम कोर्स फीस की बात करें कि जो आप एंट्रेंस फॉर्म भरेंगे तो आपकी फ़ीस किस कोर्स में कितनी लगेगी जब आप अप्लाई करेंगे, तो फ्रेंड्स हमने उसकी भी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो आपको बता रखी है एक सेपरेट वीडियो में, जिसमें सारे कोर्स की जो है वो फ़ीस बता रखी है, तो आप जाके चैनल पर जाके देखें। एंड फ्रेंड्स, आप एंट्रेंस रिलेटेड कोई भी जो नोटिफिकेशन है या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन के जरिए कोई आता है, कोई नोटिस आता है, तो हम आपको इन्फॉर्म जो वीडियो के थ्रू है वो इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। एंड फॉर्म भरने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए आप जो सेपरेट वीडियो बना रखी है चैनल पे जाके आप ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप फॉर्म अप्लाई कर भी देते हैं और आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है और आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है, तो इसके बाद आप दोबारा से फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे यदि डेट चली गई तो इसीलिए फ्रेंड्स आप पहले सब कुछ अच्छे से देख लें, जांच लें, इसके बाद ही अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, आगे कोई भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन यदि UTD से आती है तो हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।